हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सागर सीखे। सागर सीखे में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो काम और समय चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट जो की लेकर आया हूँ। आप लोगों से जो की रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ वीडियो को जो की ज्यादा से शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम पर भी जो की जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर उस पर भी नहीं हो तो आप लोग जो की टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं सागर ए सेंटर ऑफ नॉलेज। ठीक है, सागर ए सेंटर ऑफ नॉलेज, इसको आप लोग सर्च कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों को नियमित रूप से जीएस का टॉपिक्स दिया जाता है, लुसेंट और स्पीडी करंट के जो आप लोग को दिया जाएगा अगले दिन, जो कि इस पर आधारित जो कि क्विज भी होता है और क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े जिसके कारण आपका जीएस भी तैयार हो, साथ में मैथ इंजीनियरिंग भी आपका जो की नियमित रूप से तैयार होते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो की जो लेकर आए हैं काम और समय का नेक्स्ट वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, एक किसी काम को चार गुनी तेजी से कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में कर देते हैं, ए अकेला कितने दिन में करेगा इसको आपको करना है। एक किसी काम को बी से चार गुनी तेजी से करता है, दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में कर देते हैं, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहां देखिए ऑप्शन है 12 दिन, 10 दिन, 8 दिन और 6 दिन, इसको आप लोग बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ए है और ये आपका बी है। ठीक है, ए किसी काम को बी से 4 गुनी तेजी से करता है, यानी रेशियो कितना है 4:1, यानी ए बी एक दिन में 1 भाग करता है तो ए कितना भाग करता है 4 भाग, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग करेगा 5 भाग। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा 5 भाग। आप बताए इस काम को 8 दिन में करते हैं कौन, दोनों मिलकर एक दिन में कर रहा है 5 भाग, तो 8 दिन में कितना करेगा 40 भाग, वही कुल काम हो जाएगा। तो कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य तो 8 × 5 यानी कि 40 भाग। समझिए, ए किसी काम को बी से 4 गुनी तेजी से करता है, यानी बी अगर 1 भाग करता है तो ए 4 गुना तेजी से करता है यानी 4 भाग। एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं 5 भाग, और दोनों मिलकर 8 दिन में इस काम को कर देते हैं, यानी कुल कितना भाग हो गया 40 भाग। कहता है ए अकेला कितने दिन में करेगा, अगर ए अकेला रहता तो कितना दिन में यह काम करता ए अकेला। तो यहाँ पर देखिए टोटल काम कितना था 40, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 भाग, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 दिन में जो है कि ए अकेला काम को कर लेता। समझ में आ गई कि ए और बी का अनुपात कितना है 4:1, तो 5 भाग हो गया टोटल कुल भाग, कुल कार्य 40 भाग, क्योंकि 8 दिन में काम को पूरा किया है, ए अकेला करेगा 40/4 यानी कि 10 दिन में काम जो है कि पूरी तरह कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ए किसी काम को बी से 3 गुना तथा सी बी से 4 गुना काम कर सकता है, यदि ए और बी दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये आप लोग को बनाना है। ऑप्शन है 12 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन। चलिए आप लोग बनाना शुरू कीजिए। सवाल अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा से ज्यादा जो कि लोगों को शेयर करें वीडियो को। ए किसी काम को बी से 3 गुना तथा सी बी से 4 गुना काम कर सकता है, यहाँ ले लिए ए ले लिए बी ले लिए और सी ले लिए। ठीक है, ए किसी काम को बी से 3 गुना, तो बी से 3 गुना इसका मतलब बी अगर 1 है तो ए कितना है 3 गुना। ठीक है, और सी बी से 4 गुना काम कर सकता है, सी जो है बी से 4 गुना यानी कितना अनुपात हो गया 4। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा 4×5 = 8 भाग, एक दिन में अगर तीनों मिलकर 8 भाग करता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि ए एवं बी दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए एवं बी कितने दिन में कर रहा है, ए और बी एक दिन में ए और बी कितना कर रहा है, ए प्लस बी कितना भाग 3 × 1 = 4 भाग, कितना भाग 4 भाग, तो कुल काम कितना दिन हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। यहाँ जब कह रहा है कि यदि ए और बी दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं तो ए और बी 4 भाग एक दिन में कर रहा है तो 12 दिन में कितना करेगा 12×4 यानी कि 48 भाग काम करेगा, यही हो गया आपका कुल काम हो गया। अब कहता है तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर पूछ रहा है यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल काम आपका कितना है 48 भाग, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है 8 भाग, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि 6 दिन में आपका जो की काम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सोचना नहीं है, बस कलम उठाइए आप बनाना शुरू कीजिए। अगर आप इसको नियमित जो की प्रैक्टिस भी करते रहते हैं तो आपको कलम उठाने का भी जरूरत नहीं है, यहीं से आप लोग देखिए एक बार लिख लीजिएगा, ए बी से 4 गुना तो 4×5 40, ए अकेला कितना दिन में करेगा तो इसको हम क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 दिन, ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं, कोई ज्यादा भारी नहीं है। चलिए
इसी तरह देखिए बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है, यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बी ए से 40% अधिक सक्षम, यानी बी को पहले लेना है ए बाद में। ठीक है, 40% अधिक सक्षम है किसका मतलब, अगर ए है 100% तो बी कितना हो जाएगा 140%, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 7:5 होगा, 20/7 और 20/5। ठीक है, अब कह रहा है यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिन में करता है तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 7 बार, तो 30 दिन में यह कितना काम करेगा तो वही कुल काम हो जाएगा, तो कुल काम कितना हो गया आपका 30 और गुने कितना हो गया 7 यानी 210 बार। कह रहा है यहाँ पर क्या आपका की तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला आपको निकालना है। ठीक है, ए अकेला तो टोटल हो गया 210। ठीक है, और यहाँ पर ए कितना दिन में काम कर रहा है 5 बार। ठीक है, यहाँ से हो गया आपका 42 दिन में काम जो की आपका कंप्लीट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका तो 6 दिन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 दिन। ठीक है, इसका आंसर 10 दिन। चलिए नेक्स्ट सवाल पर अब आता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, दो मिस्त्री किसी दीवार को क्रमशः 30 और 40 घंटे में बना सकते हैं, अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वे 140 ईंटा प्रति घंटे काम लगाते हैं। ठीक है, और दीवार को 24 घंटे में बनाते हैं, दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें, ये आपको बनाना है। तो दो मिस्त्री किसी दीवार कितने दिन बनाना है 30 और 40 घंटे, दिन नहीं घंटे बनाना है। ठीक है, तो एक को बनाना है आपका 30 और एक बना रहा है आपका 40, एक 30 और एक 40, चलिए और लिख लेते हैं, एक हो गया 30 एक हो गया 40, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक है, यहाँ तक अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वे 140 ईंटा प्रति घंटे कम बनाते हैं और दीवार को 24 घंटे में बना देते हैं, दीवार को कितना बनाना है 24 घंटा में, तो यानी कि टोटल इसका जो यूनिट होगा एक घंटा में कितना जाएगा 120 प्लस 24, 24×5=120, यानी कि 5 यूनिट जो है कि वह एक घंटा में बनाता है, एक घंटा में कितना 5 यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन यहाँ पर एक घंटा में कितना बनाना है, यहाँ पर एक घंटा में बनाना है 4 प्लस 3 कितना 7 यूनिट, तो अंतर कितना का आ गया 2 यूनिट का, कितना का अंतर आ गया 2 यूनिट, अब वो 2 यूनिट में वो कितना 140 ईंटा प्रति घंटे कम लगाते हैं, तो 2 यूनिट में हो गया 140, तो 1 यूनिट में कितना आ जाएगा आपका 140/2 यानी कि 70। तो पूछ रहा है कि दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, ठीक है कितना आ जाएगा, तो कितना टोटल यूनिट है 120 और यहां पर 1 मिनट में कितना है 70, तो बढ़ सकते 84 यानी 8400 ईंटा जो है कि वह यानी कि दीवार में होगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल कितना जाएगा 8400। ठीक है, फिर समझते हैं, दो मिस्त्री किसी और 30 और 40 बना रहा है, एलसीएम 120 4 और 3, लेकिन यहाँ कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि 24 घंटे में उसे बना लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि 120 जो यूनिट है उसको 24 घंटा में बना रहा है, तो एक घंटा में कितना बनाएगा 5 यूनिट, लेकिन यहाँ एक घंटा में दे रहा है कितना 4, 3, 7 यूनिट, तो अंतर कितना का आ गया 2 यूनिट, और 2 यूनिट में यहाँ कितना का अंतर आ जाता है ईंटों की संख्या लगाने में 140 ईंटों का, तो 2 यूनिट का 140, 1 यूनिट का 70, और नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल 120 टोटल यूनिट था और 1 मिनट में 70, तो इसको गुणा कर दे तो हो गया 8400। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। कहता है एक किसी काम का 62% 50 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी 8% 3% 8 दिन में काम पूरा कर सकता है, जबकि सी 45 दिनों में 37.5% काम खत्म कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन काम करता तथा ए और सी क्रम से एक एक दिन उनकी सहायता करते तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, इसको आप लोगों को बनाना है। आप लोगों को जो है इसको बनाने के लिए वही है जो आप लोगों को सिखाए थे बारी बारी से, तो उसी तरह इसको बनाना है। तो यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं 62.1/2%, तो 62.1/2% का मतलब कितना हो गया 5/8, और यहाँ पर कितना है 8.1/3% का मतलब कितना देगा 1/12। ठीक है, और फिर इसके बाद कितना आपका 37.5%, तो 37.5% कितना देगा 3/8। चलिए अब यहाँ देखिए 50 दिन लगा रहा है, तो 50 गुने इसको पलट देंगे गुना करके, आपको लोगों को पहले ही बताए थे, तो 8/5 तो कितना दिन लगा, यह कटकर 10 बार में कटेगा तो जाएगा आपका 80 दिन। इसी तरह ये कितना ले रहा आपका जो है कि बी 8 दिन ले रहा है ना, तो 8 गुने
बारह बटे एक यानी कि हो जाएगा बारह आठ छियानवे दिन, और ये का हो गया, ए का ये हो गया, बी का और सी कितना ले रहा आपको, जबकि सी 45 दिनों में 37.5% काम खत्म कर सकता है, तो 47 दिनों में कितना है 45 दिनों में, तो 45 गुने कितना करेंगे ना, पलट दीजिए 8 बटे 3, तो ये 15 टी या 45 कट को जगह 120 दिन, ठीक है। एलसीएम कितना रहेगा, 120 छियानवे, और इसका कितना एलसीएम रहेगा, मान लीजिए 480 बच्चों को, ये तो कट जाएगा 120, ये भी कट जाएगा 48, ये कटेगा 480 से 6 5 33 48, 480, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 48 अड़िया हो गया 96 पंचे अड़िया हो गया 120 यानी बच्चों का 48 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है यदि बी प्रतिदिन काम करता तथा ए और सी क्रमशः एक एक दिन उनकी सहायता करते तो काम कितने दिन में समाप्त होता, तो बी प्रतिदिन काम कर रहा है और ए और सी जो है कि उनकी सहायता कर रहे हैं एक दिन, तो पहला दिन कौन काम करेगा, तो एक दिन में यानी ए प्लस मान लीजिए कौन है, बी प्रतिदिन काम कर रहा है, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया 6 5 11 भाग, ठीक है। फिर अगले दिन यानी दूसरे दिन कौन काम करेगा, जो कि आपका दूसरे दिन काम करेगा ए आर यानी बी आर सी यानी सी प्लस बी काम करेगा, क्योंकि बी लगातार काम कर रहा है, तो बी आर सी का काम कितना हो गया 5 4 9 भाग, यानी कहने का मतलब हो गया दो दिन में कितना काम हो रहा है 11 9 20 भाग, दो दिन में कितना काम हो गया 20 भाग, हमको टोटल कितना 480 भाग करना, तो कितना से गुना करेंगे 480 के करीब या 480 के बराबर आएगा, तो 24 से गुना कर दे तो हो जाएगा, तो 2 × 24 इधर कर देते हैं हम लोग 20 × 24, ठीक है, 24 × 48 यानी 48 दिनों में जो है कि आपका 480 भाग कंप्लीट हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 48, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 8 और 12 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, ठीक है, अगर दोनों अपने स्थायी चाल से एक ही समय पर जो कि जलना शुरू करे तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 होगा, ठीक है। तो आप लोगों से फिर कह रहे हैं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है कि जुड़ जाएं, आपको लिंक जो है कि नीचे दे दिया जाएगा, अगर लिंक नहीं खुलता है तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सागर सेंटर ऑफ नॉलेज सर्च करें, अगर आ जाती है, इसमें क्या होगा कि आपको जो है कि नियमित रूप से जीएस का टॉपिक जो है कि दिया जाएगा और 9 बजे जो कि क्विज इसका स्टार्ट होता है, साथ ही आप लोगों का मैथ भी चल ही रहा है और रीजनिंग का भी आप लोगों को जो है कि जो अभी लॉकडाउन की स्थिति ऐसी आ रही है, तो ये 2-3 महीना में हम सोच रहे हैं मैथ और आपका का रीजनिंग जहां तक हो सके हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 8 और 12 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, अगर दोनों अपने स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक है 8 और 1 है 12, ठीक है, घंटे में पूरी तरह जल जाती है, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, तो 8 + 24 + 12 = 24, यानी कि इसका हो गया 24 cm प्रति, यानी कि इसका जो भी टोटल भाग है 24 और 3 और 2, यानी कि एक घंटा में मान लीजिए 3 सेमी जल रहा है और या एक घंटा में जो कि 2 सेमी जल रहा है, ऐसा मानकर हम लोग चलते हैं और टोटल ऊंचाई जो की 24 cm हम लोग मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर दोनों अपने स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करे तो ज्ञात करो कितने समय बाद, माना कि 30 समय बाद उनके ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 होगा, ठीक है, 2:3 होगा। तो यहां पर देखिए टोटल कितना आपका है 24 मोमबत्ती की जो की ऊंचाई है मान ली 24 सेमी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 30 समय बाद करें तो इसका चाल कितना है पहले वाला का 3 सेमी प्रति घंटा, 30 समय से गुणा कर देंगे दूरी निकल जाएगा ना कितने दूरी तक जला, तो यहाँ जाएगा आपका 3t, फिर टोटल है 24 और यह कितना जाएगा 2t, और इनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है 2:3, बस इसको आप लोग हल कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका जो की 24 × 72 और इधर जाएगा 3 × 9 24 × 48 − 2 = 4, 72 में से 24 किया कितना जाएगा 72 में 48 गया तो हो जाएगा 24 और इधर −9 में से −4 यानी गया तो कितना जाएगा आपका 5t बराबर हो जाएगा आपका 24, तो t बराबर हो जाएगा 24 बटा
पांच, डिवाइड कीजिए पंचों के बीच चार पूर्णांक चार बटे पांच, साठ से गुणा कर दीजिए मिनट बदलने के लिए, बारह पंच साठ यानी कि चार घंटा अड़तालीस मिनट, ये आपका जो आंसर होगा चार घंटा अड़तालीस मिनट। ठीक है, समझ में आ गया। आठ और बारह इसका जो कि घंटे में पूरी तरह चल जाता है, कैल्सियम 24, तो 24 मतलब इसका हो गया कुल ऊंचाई मान लीजिए सेंटीमीटर, तो ये घंटे में कितना दे रहा है तीन सेमी, इधर एक घंटे में दे रहा है दो सेमी, माना तीन सेमी का ऊंचाई दोनों का तीन होगा, तो मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी थी 24, 24 सेमी। अब यहाँ पर यह एक घंटा में इसकी चाल है तीन सेमी प्रति घंटा, और समय दिया है टी, समय को अगर हम चाल से गुणा करें तो दूरी निकल जाएगी कितना दूरी तक वो देखिए जला, और यहाँ पर देखिए कितना दूरी तक वो जरा दूसरा वाला वो भी निकलेगा, इससे हम टी का मान भी निकालिए चार घंटा अड़तालीस मिनट। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड बिहार पुलिस एग्जाम एंड एसएससी जीडी, तो सभी स्टूडेंट्स को देखिए मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन है, जो हमारे स्टूडेंट्स बिहार पुलिस का जो है कि रिजल्ट निकाले और साथ ही जो है कि एसएससी जीडी का उसका जो कि रिजल्ट निकाले हैं, तो सबके लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, ए और बी तथा बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में खत्म कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग 18 की तरह इस बार भी रिजल्ट निकालिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत खुशी होगी। ए और बी तथा बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 घंटे 16 दिन में कर सकते हैं, 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम, ठीक है, और ए ने 5 दिन काम किया, यहां पर सब छूट गया है, ठीक है, और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन किया, आप जैसा होगा बी ने 7 दिन काम किया, ठीक है, यहां जोड़ दीजिएगा, यहां जोड़ दीजिएगा, बी ने 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, ठीक है। ए और बी तथा बी और सी किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं, अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ए और प्लस बी हो गया, इधर हो गया बी और प्लस सी, ठीक है, कितना कितना दिया पहले ये देख लीजिए, एक है 12 और एक है 16, एलसीएम लगा 48, बच्चे 48, 48, यहां तक कंप्लीट। अब कह रहा है यहां पर अगर ए ने 5 दिन काम किया, इधर लिख दीजिए ए, यहां लिख दीजिए बी, यहां लिखिए सी, ए किया कितना दिन काम 5 दिन, बी ने किया है 7 दिन और सी ने किया है 13 दिन, तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी कितना दिन काम किया, ए और बी, ए 5 किया है, बी भी जो है कि 7 दिन किया, ए प्लस बी जो है कि 5 दिन काम किया, बी प्लस सी, तो बी तो ए के साथ 5 दिन काम कर लिया, बच गया कितना 2 दिन, और सी का इधर से 2 दिन मिलते हैं, तो बी और सी कितना दिन काम किया 2 दिन, तो सी का कितना बच गया 2 दिन या काम कर लिया, तो बच गया इसका 11 दिन। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 बार, तो 5 दिन में कितना करेगा 20 बार, उसी तरह जो कि बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 बार, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा 3 दिन 6 बार, शेष कितना बच गया आपका, टोटल कितना काम था 48, 48 में से 20 चला गया 6 चला गया, कितना बच जाएगा 22 बार, और वो सी कितने दिन में किया 11 दिन में, इसका मतलब सी की क्षमता क्या हो गई, सी की क्षमता यानी 22 बार करने में हुआ 11 दिन रहता है, यानी सी की क्षमता है 2 भाग, यानी एक दिन हुआ करता है 2 भाग, तो 48 भाग को कंप्लीट करने में सी कितना समय लेगा 48 बटा 2 यानी कि 24 दिन में जो है कि वह 48 भाग को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, सी विल बी कंप्लीटेड आवर इन 24 डेज। ठीक है, तो यह आपका जो कि सवाल हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।